आगे आ गया, अनाउंसमेंट वहाँ से चिल्ला रहा है। और कोई है इसके सामने की टक्कर देने वाला? देखो दोनों तो देखो, करना अर्जुन को भी देखो, देखो कोई है, अर्जुन आगे देखो, आसना खींचन तरह चल रही है। सब चिल्लाओ, हाँ अभी आएगी ये लोग आशिक करो, हाँ करो, हम तीनों को बुला लो, एक आइए मार के आ जाओ, मार के आ जाओ, देख लो पहले मार दो। ये राशन सुन के शुरू होता है ना वहाँ पे आप लोगों का। हाँ बता दो भाई, उधर और अर्जुन इधर, जामरों के इस साइड ये और इस साइड अर्जुन, सब बना ना ब्लॉग बना। अर्जुन को तो देखो एक बार, इधर इधर ओके, शिवा को देखो, थोड़ा कैमरे की तरफ देखना जितना ज्यादा, ये देखो पेड़, आशन पीछे देखो, चलो बढ़िया सर, रोल चलो प्रवेश, मैं यहाँ से ताकत लगाऊंगा, चलो इसको आगे आने देना फिर जाना। आशिन पीछे लो, हाँ देखो चल आशिन, शिवा की लाइन अब तो हमारे को दुनिया की कोई ताकत ना हरा सकती, क्योंकि हमारी भैंड और साल हमारी ठाट पड़ कर खड़ी है। आर्मान ने अर्जुन, आर्मान ने वहां पे उसे बोला अर्जुन के तीर, तो वो है दोनों तरफ से बैठ लग रही है, वहां का सुधर दोनों के देखो पीछे दोनों पैन हाथ पे आशिक, हाँ ए ए इसको फिक्स करो तो भूल जाओ बाहर। अरे सर बोले माँ का कारण है ना, अरे को माँ के आशीर्वाद का पता ना है, आज नहीं जीत पाएगा। और देखिए यशोदा भी आ गई इधर, कनक के सब आ चुके हैं आज, बैठ जाओ आइए, खींच रहे खींच रहे खींच रहे, अर्जुन थोड़ा सा आगे होने लगेगा, देखो ये खिंचा रहा है, खिंचाया रुक गया अचानक, हाँ आगे देखो बच्चा। हेलो जी, सबसे पहले तो आप मेरी बहन से, कनक की बहन कंगना, जो कि बड़े दिनों बाद मेरे मायके से कोई आया है मेरे ससुराल में, मैं बहुत खुश हूँ मेरी बहन मेरे साथ होली मनाने आई है, और भी पता नहीं कितने सारे कांड कारनामे करने आई है। ये किसी को नहीं पता, ये एक्चुअली ये किसी को मस्तियाँ तो करती रहती है। आप लोगों ने अगर कंगना का इंट्रो देख लिया होगा तो यू नो के व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर शी इज, जैसे कनक पहले हुआ करती थी, वेरी मच लाइक दैट। कुछ बोलना चाहेंगे, आपको कैसा लग रहा है यहाँ रोल? जो है बहुत ही बबली कैरेक्टर है, लाइक कनक की बहन आई है गांव से, और वो गांव वाली है, गांव में ही बड़ी हुई है, और यहाँ पे आके वो कुछ धमाल करने आई है जीजू सा और जीजी के साथ, और साथ में उसका की भी स्टोरी चलेगी आगे जाके हम देख पाएंगे, लेकिन फिलहाल इतना ही चल रहा है। एंड और सेट में आके कैसा लग रहा है? सेट पे आके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा माहौल है, इज अ वेरी पॉजिटिव फीलिंग, सब लोग अच्छे हैं, जीजी मतलब जीजी वैशाली वैशाली निशान शिवा रसाल एवरीवन इज वेरी नाइस, तो हम लोगों की फ्रेंडशिप हो चुकी है, बॉन्डिंग हो चुकी है, तो ऐसा फील नहीं हो रहा है कि मैं नई नई आई हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मैं काम काम करती आ रही हूँ ये सेट पे, तो ऐसा ही फीलिंग है। होली सीक्वेंस का तो ये बोलना चाहती हूँ कि पहली बार होली के दिन हम लोगों ने काम किया एंड एक्चुअली सेट पे ही होली मनाया, तो बड़ा अच्छा लगा, मुझे होली
बचपन से लेकर आज तक कोई एक साल गया होगा जब मैंने होली नहीं मनाई, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। होली और रंग पंचमी दोनों हमारे यहाँ बहुत धूमधाम से मनाते हैं एमपी में। इस बार ना यहाँ पे हमें बोला गया था कि हमारी मतलब हमारा थोड़ा सा टेलीकास्ट का जो था हमें अर्जेंट देना ही था, एंड वी हैड टू शूट ऑन होली यस्टरडे। कल होली थी और हमारा कल भी शूट था, तो मेरा से दिल टूट सा गया था। बट जो हमने यहाँ पे होली मनाई है ना, शूटिंग करते करते पैसे कमाते हुए जो हमने होली मनाई, हमने इतना एंजॉय किया, इतने मजा आए, इतने ज़्यादा मजा आए कि मेरी तो होली सेट पे भी वॉच। एक्चुअली मुझे लग रहा है मैं होली खेलती नहीं हूँ क्योंकि खेलने वाले उतने नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। सेट पे ही होली मनाया, होली जैसा माहौल था, रंग से पानी से तो बड़ा अच्छा था। होली के दौरान बहुत सारे ट्विस्ट चल रहे हैं होली के दौरान। ओके ओके, होली के दौरान जो आप देख सकते हो रंग की रस्सी चल रही है और कल भी काफी सारे कारनामे चले थे, तो होली में भी ट्रैक है काफी। दो दिन से शायद चल रहा है, बताएं जी क्या खास इसमें। मैं सभी दर्शकों को होली की शुभकामनाएं देना चाहूंगी और हमारे शो रक्षाबंधन की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को हैप्पी होली। इसमें भी कुछ ट्विस्ट लग रहा है होली के। जी हाँ, त्यौहार है, खुशी का माहौल है। एक्चुअली इतना खुशी का भी नहीं है क्योंकि हमने अभी लास्ट वीक कुछ एक्सीडेंट हुए थे हमारे घर पे, जिसमें समर सा और रसाल के बेबी की मौत हो जाती है। लेकिन अभी कहानी आगे बढ़ती है और जैसा कि आप जानते हैं दो न्यू एंट्रीज हुई हैं, एक्चुअली 3 न्यू एंट्रीज हुई हैं हमारे घर में। एक मेरी जो न्यू सासू माँ है यशोदा जी, जिन्हें आपने बालिका वधु और कौन सा था प्रतिज्ञा में भी देखा होगा, राइट। तो बहुत ही बढ़िया कलाकार है, उनके साथ मुझे सीन्स करके बहुत अच्छा लगता है। आई फाइंड माई सेल्फ रियली ब्लेस्ड टू बी वर्किंग विद हर। एंड देन देयर इज अनदर कैरेक्टर कॉल्ड अर्जुन, जो कि मेरे न्यू हस्बैंड का रोल प्ले कर रहे हैं। एंड देन द थर्ड एंट्री इज कंगना, जो कि कनक की बहन। आज जो अभी शूट कर रहे हैं आप लोग, वो क्या है? तो जैसे कि आपने देखा बाहर होली का इतना ब्यूटीफुल डेकोरेशन था और रसाल जो है क्या करती है कि हमारी यहाँ पे रवाज़ है कि हम माली होली मनाते हैं, यानी कि लठमार होली। तो हम लोग क्या करते हैं, बिकॉज इतना टकराव चल रहा है अर्जुन और उसकी माँ और मेरा और मेरे भाई साहब का, तो इट्स लाइक माँ बेटी का और भाई बहन का फाइट। तो मैं जाती हूँ, मैं डंडा लेके आती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना होली डंडे वाली खेलते हैं। तो अगर अब आप हमें बब्बू मानते हो तो फिर मैं तो आपके साथ ही खेलूँगी होली। और रसाल सारी भड़ास निकाल देती है अर्जुन के ऊपर डंडा लेके, ठिश। तो बहुत ही क्यूट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सीक्वेंस है वो वाला। फिर उसके बाद डांस भी है, भाई बहन का डांस है, बहुत कुछ है, आपको देखना पड़ेगा उसके लिए। इस बार सेट पे ही मनाई आप लोगों ने होली? जी हाँ, हम सब लोग अपने घर से दूर थे, लेकिन हमारी एक ये रक्षाबंधन फैमिली है, तो हमने इनके साथ ही मनाया था होली का ब्यूटीफुल फेस्टिवल। बट रियल लाइफ में कैसे एंजॉय करती है होली? रियल लाइफ में तो मैं छुपती बजती अपने आप को रजाई के अंदर छुपा लेती थी। बट भुजिया खा के, भुजिया मुझे बहुत पसंद है होली के टाइम पे। मेरी मम्मी बहुत टेस्टी टेस्टी डिशेज बनाती हैं, जैसे कि वो कल मुझे फ़ोन करके बताई थी कि मैंने दही भल्ले बनाए हैं, छोले बनाए हैं, पर मैंने कुछ भी नहीं खाया और मैंने यहाँ पे होली खेली सेट पे। मतलब रंगों से डर लगता है? मुझे डर लगता नहीं है, बट ना वो होता है ना स्टार्टिंग में 10-15 मिनट की झिझक होती है, फिर एक बार ही कोई लगा लेता तो फिर तो उसके बाद टूट पड़ते हैं। तो स्टार्टिंग थोड़ा सा ऐसा ही होता है। क्या कहना चाहेंगी दर्शकों से? दर्शकों से मैं कहना चाहूँगी कि रक्षाबंधन, रसाल अपने भाई की डाल को आप यूँ ही प्रेम देते रहिए, प्यार करते रहिए, हमारा शो देखते रहिए। और मैं आपकी बहुत सारी मैसेजेस देखती हूँ इंस्टाग्राम पर, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। और हम यूँ ही मेहनत करते रहेंगे, आप सभी को एंटरटेन करते रहेंगे। शिवा और रसाल की तरफ से और पूरी रक्षाबंधन की टीम की तरफ से मैं आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ। थैंक यू। जैसे कि आप देख ही सकते हैं होली का शूट चल रहा है, दो दिन से कर रहे हैं हम, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है पर कर रहे हैं। और देखिए अभी शायद 2 एपिसोड या 3 एपिसोड हम कर रहे हैं एक ही साथ होली का, सो लेट्स सी कैसे जाता है। काफ़ी गर्मी है पर मज़ा आ रहा है करने में। हाँ, पूरी फैमिली एक साथ है और क्या कहते हैं टग ऑफ वॉर चल रहा है, तो मैं और रसाल मतलब के बीच में जो एक
अनबन चल रही है उसका ही दिखा रहे हैं कि एक तरफ शिवा और रसाल, एक तरफ मैं और मेरी माँ है, और आपस में टग ऑफ वॉर चल रहा है, तो अच्छा है, फन है। रियल लाइफ में होली मैं सच बताऊं तो हम नहीं मना पाए क्योंकि हम शूट कर रहे थे उसी दिन, और हमने सेट पे जैसी हमारी जब शूट ख़त्म हुई हमने उसके बाद सेट पे होली मनाई, थोड़ा बहुत रंग लगाया एक दूसरे को, और यहीं पे हमने वर्किंग हॉलीडे था हमारा उस दिन, वर्किंग होली थी, तो अच्छा है, कभी कभी त्योहारों पर काम करना भी अच्छा रहता है, बट ठीक है, मिस किया थोड़ा सा होली को, बट ठीक है, हमने आफ्टर आर शूट हमने मनाई थोड़ी सी होली यहाँ पे। देखिए मैं सच बता रहा हूँ, मैंने आज तक कभी भांग ट्राई तो नहीं करी थी, पर मैं इस बार करना चाहता था, पर हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि हम शूट कर रहे थे, बट होपफुली कभी फ्यूचर में एक बार ट्राई करेंगे, देखेंगे क्या होता है। मोस्ट वेलकम, थैंक यू। तो आज हम लोग होली का सीक्वेंस शूट कर रहे हैं जहाँ पर हमने लठमार होली खेली, जहाँ रसाल अर्जुन को लठ से पीटने जाती है, लेकिन एक ट्विस्ट है एंड में, वो आप एपिसोड में देखना, और उसके बाद एक टग ऑफ वॉर होती है, रस्सी खींचने का खेल होता है बिटवीन अर्जुन एंड शिवा, तो उसमें सेम टाइम पे अर्जुन की मदर और शिवा की बहन यानी कि रसाल भी ज्वाइन कर लेते हैं, तो इट्स लाइक अ क्लियर रिप्रेजेंटेशन की कहानी में क्या चल रहा है, अर्जुन और उसकी माँ अर्जुन एंड यशोदा जी वर्सेज शिवा एंड रसाल, तो वही शूट चल रहा है और बहुत मज़ेदार शूट है, बहुत इंजॉयबल शूट है, हमें शूट करने में बहुत मज़ा आ रहा है, आई एम श्योर ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आएगा देखने में। हाँ यार, इस बार हमने होली सेट पे ही मनाई, मौका ही नहीं लगा कि बाहर जाने का, क्योंकि ऑडियंस का प्यार इतना मिल रहा है कि इतना ज़्यादा काम हो गया है शो के अंदर कि छुट्टी ही नहीं मिली हमको होली पे, सुबह से लेकर रात तक, कल और आज दोनों दिन हम लोग होली सेट पे ही अपने को एक्टर्स और यूनिट के साथ ही मना रहे थे। मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि आई होप आपकी होली बहुत ही शुभ रही हो और आपने बहुत इन्जॉय किया हो, आपने बहुत मज़े किए हो, एंड एट द सेम टाइम आई होप आप सेफ हो, आपने सेफली होली खेली हो, एंड आई जस्ट विश यू ऑल द बेस्ट। कंगना कनक की बहन है जो कि हमारे शो में नई एंट्री हुई है, अभी वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन मिस्टीरियस है, बहुत ही हंसमुख लड़की है, बहुत ही चुलबुली लड़की है, और शिवा को बहुत पसंद करती है, कहती है कि मैं आपकी साली हूँ यानी कि आधी घरवाली हूँ जीजू, तो उस ट्रैक पे है ये कंगना का कैरेक्टर। बाकी कहानी में आगे जाके क्या क्या लेयर्स अनफोल्ड होती है कंगना की, वो हम देखते हैं। थैंक यू।